हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। अक्सर 2 आज रिलीज हुई है और हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट रितेश श्रीवास्तव, जिन्होंने अक्सर 2 देखी आज सुबह को, और वो हमें बताएंगे कि ये फिल्म कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी थी। रितेश, आपसे चालू करता हूँ मैं। अक्सर 2 कितना अच्छा लगा? मैं कहता हूँ कि एकदम बकवास फिल्म है और कोई भी कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा नहीं है फिल्म में। और पता नहीं क्या रेजोल्यूशन फिल्म में, जो अंत है वो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ ले जा रही है फिल्म। लोग कह रहे थे सस्पेंस हॉरर, ये नथिंग लाइक दैट, एकदम टाइम फिक्स। लेकिन आपने एक्सपेक्ट क्या करके गए थे आप? एक्सपेक्ट कि कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसे अभी कुछ दिनों पहले इत्तेफाक आई थी तो थोड़ा सा थ्रिलर था, लेकिन वो भी फिल्म उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन हमने सोचा कि अक्सर 2 में, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक सस्पेंस देखने गया था कि किस तरह से क्या चीज़ें होती, लेकिन सस्पेंस की कोई चीज़ ही नहीं थी। पता नहीं क्या उल्टा, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा कहानी में ग्रिप है, लेकिन सेकंड हाफ तो पूरी तरह से लूज है और आप अंत तक कुछ समझ ही नहीं पा रहे पिक्चर में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कुछ नहीं समझ में आया। ओके, स्टारकास्ट की बात करें तो जरीन खान कैसे लगी आप? जरीन खान ऑसम की हॉट, हॉट भी कह सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन लगी वो फिल्म में। और सबसे बढ़िया एक्टिंग भी मैं कहूँगा कि उन्होंने, उनके अलावा किसी ने भी, चाहे वो गौतम रोड़े हों, चाहे वो कोई भी एक्टर हो, उनके अलावा कोई चल नहीं पाया। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जाने माने निर्देशक अनंत महादेवन साहब, बहुत ही अच्छे बेहतरीन डायरेक्टर। तो क्या आपको सरप्राइज हुआ कि ऐसे एक डायरेक्टर ने ऐसे फिल्म बनाई जो आपको बहुत बिलो एक्सपेक्टेशन लगी? देखिए क्या होता है कि स्क्रिप्ट के ऊपर डायरेक्टर का भी एक डिपेंडेंसी होती है, तो जब स्क्रिप्ट कमज़ोर रहेगी तो डायरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकता। वो बस ये कर सकता है कि सीन को इस तरह से ले सकता है, सीन की स्क्रीन प्ले में कुछ, लेकिन ज़्यादा आप चेंज नहीं करते। तो यहाँ स्क्रिप्ट वीक है, अनंत महादेवन कहीं भी वीक नहीं। कितनी बोल्ड है ये फिल्म आपके हिसाब से? बोल्डनेस की बहुत ज़्यादा हद क्रॉस नहीं की है, एक बहुत ज़्यादा मतलब आपको गलत फिल्म नहीं लगेगी, बोल्डनेस है लेकिन उतनी भी बोल्डनेस नहीं है, नॉर्मल बोल्डनेस जैसे आजकल के फिल्मों में होता है, नॉर्मल चीज़ है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल्डनेस। लेकिन स्क्रिप्ट में आपको थोड़ी कमी लगी? स्क्रिप्ट में पूरी कमी, मतलब कोई भी कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या है, क्या करते हैं। ओके, श्रीशांत भी है फिल्म में, उनका परफॉर्मेंस कैसे लगा आपको? उनका परफॉर्मेंस वैसे ही है जैसा वो रियल जिंदगी में खेले। मतलब क्या हाइपर नहीं, जैसा उन्होंने चीज़ें की थी अपने पर्सनल लाइफ में। अच्छा, यहाँ भी वो पैसे के लिए पलट जाते हैं एकदम सेम टू सेम। लेकिन एज एन एक्टर कैसे लगे वो? एज एन एक्टर मज़ा नहीं आया, मतलब पता ही नहीं चलेगा फिल्म देखने के बाद। इस फिल्म में श्रीशांत भी थे। ओके, कितने स्टार्स देंगे आप? एक ही स्टार, 5 में से। ओके, थैंक यू रितेश, देयर यू हर्ड इट फ्रॉम आवर एक्सपर्ट, इज नॉट रियली इम्प्रेस्ड आफ्टर वॉचिंग अक्सर 2। यू कैन ड्रॉ योर ओन जजमेंट्स बेस्ड ऑन हिस ओपिनियन एंड डिसाइड वेदर टू वॉच अक्सर 2 और नॉट इन द थिएटर नियर बाय यू। दिस सोनू साइनिंग ऑफ फ्रॉम बॉलीवुड वाला, बट कीप ट्यून टू माई चैनल फॉर मोर न्यूज, डिबेट्स, डिस्कशंस एंड अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड। बाय।